हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं श्रुति मिश्रा और आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं एक न्यू ब्रांड का प्रोडक्ट का रिव्यू। एंड गाइस, एक नॉन स्पॉन्सर्ड रिव्यू गाइस, ये है हमारा मूजी ब्रांड से विटामिन सी ब्राइटनिंग फेस वॉश, मैंडरिन ऑरेंज एंड ग्रेप फ्रूट के साथ ये फेस वॉश आता है गाइस। ये वाइब्रेंट सी के साथ आता है, हैप्पी स्किन एवरी डे, हाइड्रेटिंग, ब्राइटनिंग एंड अल्ट्रा रिफ्रेशिंग ये फॉर्मूला है गाइस। ये फेस वॉश कहता है ये क्लीन करता है, स्किन को ब्राइट करता है। ये पावर ब्राइटनिंग ग्रेप फ्रूट एक्सट्रैक्ट के साथ आता है जो कि हाइड्रेटिंग है, एप्पल अमीनो एसिड है इसमें, फर्मिंग नायासिनमाइड है, एक्सफोलिएटिंग फ्रूट AHA है और इसमें विटामिन सी फेस वॉश जो कि ये स्किन को क्लींस एंड हाइड्रेट करने में मदद करता है, स्किन को ब्राइटन बनाने में, रिफ्रेश बनाने में मदद करता है। सो गाइज, ये जो फेस वॉश है ये आप देख सकते हैं कि येलो कलर के ट्यूब में आता है। बैक में प्रोडक्ट की पूरी डिटेल, कोई कार्डबोर्ड बॉक्स में ये नहीं आता। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी का, ये एक मैसी पैकेजिंग है, जब ओपन करेंगे तो थोड़ा सा आपको मैसी लगेगा। कंसिस्टेंसी जेल फॉर्म में है, ट्रांसपेरेंट जेल में है और ये जो कंसिस्टेंसी है बहुत ही एक जेली टाइप की है, जेल भी नहीं है, मैं जेली टाइप की इसको कहूंगी। सो गाइज, ये पैकेजिंग थोड़ा सा मैसी है लेकिन काम चलाया जा सकता है। इंग्रेडिएंट लिस्ट पे आते हैं तो इसमें एक्वस सोडियम लॉरियल सैक्रोसिनेट है, सोडियम कोको मेडोसा है, सोडियम कोकाइल है और बाकी ये क्वालिटी फ्री है, 100% वेगन है और ये सेफ इंग्रेडिएंट के साथ आती है, पैराबेन ये फ्री फॉर्मूला है। ये गाइस जो फेस वॉश है, इंग्रेडिएंट लिस्ट आप पॉज करके चेक कर लें, जब इंग्रेडिएंट लिस्ट से सेटिस्फाइड हो तभी कोई प्रोडक्ट आप यूज़ करें। प्राइस के बारे में बात करें तो ये आता है 100 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी के साथ, प्राइस इसका 249 rupees है और इसकी शेल्फ लाइफ 24 months की, 2 साल तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इजिली अवेलेबल है नायका में, आप नायका में इसको परचेज कर सकते हैं। इसमें सनस्क्रीन एंड बहुत सारे सीरम लॉन्च किए गए, अभी मैंने सिर्फ इसका फेस वॉश यूज़ किया है तो उसके बारे में ही मैं आपको जानकारी शेयर कर सकती हूँ। यूज करने का तरीका, आप इसको नॉर्मल क्वांटिटी में ले लें और वाटर के साथ मिक्स करके इसको जेंटली मसाज कर लें, 20 से 30 सेकंड तक मसाज करना है, उसके बाद आपको वाटर से रिंस आउट कर लेना है। गाइस, फर्स्ट टाइम यूज में ही ये स्किन के को एक ब्राइटनिंग इफेक्ट दे देता है और थोड़ा सा स्किन ब्राइटन नज़र आती है। ये स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई आउट नहीं करता, जो कि मुझे इसके बारे में खास बात लगी। ये गाइस एक लाइट फ्रेग्रेंस के साथ आता है, ये स्किन को इंस्टेंट ब्राइट करता है। इसमें AHA है तो मैं कहूँगी कि नाइट टाइम स्किन केयर में ही आप इसको इन्वॉल्व करो, डे टाइम मत यूज़ करो, अदरवाइज यूज़ करते हो तो इसके बाद सनस्क्रीन लगाएं ज़रूर। बाकी गाइस, ये मैं ऑयली स्किन वालों को नहीं, ड्राई स्किन वालों को ज़्यादा कहूँगी बेहतर वर्क करेगा उनके लिए, क्योंकि ऑयली स्किन के ऑयल को इतना ज़्यादा ये रिमूव नहीं करता, मतलब स्किन के जो हाइड्रेशन लेवल है उसको नहीं छेड़ता, जो कि मुझे अच्छी बात लगी। बहुत फेस वॉश मैंने यूज़ किए हैं, वो इतना ज़्यादा स्किन ड्राई आउट कर देते हैं कि थोड़े दिन बाद उनको बंद करना पड़ता है यूज़ करना, क्योंकि अदरवाइज स्किन फ्लेकी होने लगती है, पील होने लगती है। लेकिन इससे ऐसा नहीं हुआ, ये उतना स्ट्रॉन्ग स्किन को एक्सफोलिएट नहीं करता, जो मुझे अच्छी बात लगी। आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको विटामिन सी फेस वॉश यूज़ करना है, टीनेजर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नाइट टाइम स्किन केयर में ही आप इसको इन्वॉल्व करें, डे टाइम के लिए ये नहीं है। और AHA के साथ जो प्रोडक्ट्स होते हैं इंग्रेडिएंट के साथ, उनको डे टाइम वैसे भी यूज़ नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आपकी स्किन ओवर सेंसिटिव हो सकती है और सन बर्न ज़्यादा हो सकता है। सो गाइज, ये प्रोडक्ट सेफ लगा मुझे मेरी स्किन पर, लेकिन आप फर्स्ट टाइम यूज़ करें तो पैच टेस्ट करके ही इसको ट्राई करें अपने फेस पे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक रखिए आप अपना ख्याल, टेक केयर, बाय।